कोई शॉर्टेज बताओ होगी, शॉर्टेज होगी इसलिए आप यहाँ, इसलिए महंगा भी होगा फिर। महंगाई बहुत रही, जैसे महंगाई हो जाएगी एकदम ज़्यादा भी हो जाएगी, 20 रुपये लीटर 25 रुपये लीटर भी हो जाएगी ज़्यादा, तो ज़्यादा अभी भरवा लें हम भी 120-130 लोग महंगाई हो। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर ऐसी अफवाह फैली कि लोगों में हड़कंप मच गया। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी की संभावनाओं को देखते हुए लोग तेल के स्टॉक जमा करने लगे, जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जुटने लगी है। जी हाँ, ये तस्वीरें गोहना की हैं, जहाँ के किसान अपने ट्रैक्टर व ड्रम लेकर पेट्रोल पंप पर पहुँच रहे हैं और धान की रोपाई के 1 महीने पहले ही डीजल का स्टॉक जमा करने में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि चुनाव खत्म होने और रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल के प्रति लीटर 15 से 25 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए वो एडवांस में डीजल खरीद रहे हैं। महंगाई बहुत रही, जैसे महंगाई हो जाएगी एकदम ज्यादा भी हो जाएगी, 20 रुपये लीटर 25 रुपये लीटर भी हो जाएगी ज्यादा, तो अभी भरवा लें हम भी 120-130 लोग महंगाई हो सकती है। किसानों का कहना है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में यहां भी पेट्रोल डीजल के दामों में 1 या 2 दिनों के अंतर भारी उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि इस प्रकार की कोई संभावनाएं अभी तक आधिकारिक तौर पर जताई नहीं गई हैं, मगर ऐसी अटकलें हैं कि 5 राज्यों में चुनाव के चलते तेल के दाम नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम 15 से 25 रुपए प्रति लीटर कभी भी बढ़ सकते हैं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।